माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ किया ये काम, अब करते हैं अरबों का टर्नओवर। हर कोई पढ़ाई करने के बाद एक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में अच्छी नौकरी करने का सपना देखता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू कर दिया। खास बात यह है कि इस शख्स ने जो काम किया उससे वो करोड़ों का व्यापार कर रहा है। ये कहानी है ओला कैब के फाउंडर भाविश अग्रवाल की, जिन्होंने नौकरी छोड़कर ओला कंपनी बनाई थी। अब लाखों लोग हर दिन ओला में सफर कर रहे हैं और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आपने भी कभी ना कभी ओला कैब से सफर जरूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। 2010 में IIT बॉम्बे के दो इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $330 करोड़ यानी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद से ये ब्रांड चर्चा में है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक साधारण सी कैब सर्विस एक ब्रांड बन गई। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। पंजाब के रहने वाले भाविश ने IIT मुंबई के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में एडमिशन लिया। उसके बाद इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन भाविश अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। वो 9 से 5 बजे वाली नौकरी करने के बजाय खुद का काम करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने 2010-11 में ओला कैब्स की शुरुआत की। उस वक्त उनके जानकारों ने उनका मजाक बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की नौकरी करते हुए भाविश ने अब तक 2 पेटेंट्स प्राप्त किए थे। उन्होंने IIT बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स लॉन्च कर दिया। ओला का पहला ऑफिस एक 10x12 फीट का कमरा था। इसमें भाविश, अंकित और शुरुआती दिनों के साथ ही काम करते थे। शुरुआत में भाविश के पेरेंट्स उनके स्टार्टअप से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि IIT से पढ़ने के बाद ट्रैवल एजेंट बनोगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये आइडिया पसंद आया। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल और रेहान यार खान और अनुपम मित्तल से मिली। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर्स से $430 करोड़ यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट इक्विटी से 3,700 करोड़ की लेटेस्ट फंडिंग मिली है। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। ऐप के जरिए वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स का किराए का 15% कंपनी कमीशन लेती है। ओला सीधे तौर पर US की लीडिंग कंपनी ऊबर से मुकाबला करती है। ऊबर की वैल्यूएशन $82 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज्यादा है। इसके अलावा भारत में अन्य कॉम्पिटिटर्स में मेरू कैब, जूम कार और रैपिडो शामिल है। ओला ने अब तक कुल 6 अधिग्रहण किए हैं, उनमें टैक्सी फॉर श्योर, जियो टैग, क्वार्ट, फूड पांडा, रिडलर और पिकअप शामिल है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK में अपनी कैब सर्विस शुरू की है। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। तो ये थी ओला कैब सर्विस कंपनी की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।